बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 रेनबो का लेसन 10 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। इस चैप्टर में साइकिल से रिलेटेड हम लोग छोटी से छोटी चीज़ें और आज जो साइकिल हमारे सामने है यहाँ से लेकर और जो साइकिल जब पहली बार बनी वहाँ तक हम हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जानेंगे। इसको किसने बनाया, तो चलो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल, ये तो तुमको पता ही होगा। तो एक साइकिल की कहानी, तो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। द बाइसिकल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बाइसिकल का मतलब साइकिल, पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध, यानी कि साइकिल भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओल्ड एंड यंग, द मिल्कमैन, द न्यूज़पेपर बॉय, द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओल्ड एंड यंग यानी कि बूढ़े और जवान, द मिल्कमैन यानी कि दूध वाला, द न्यूज़पेपर बॉय यानी कि अखबार वाला लड़का, द पोस्टमैन यानी कि डाकिया एंड द हॉकर और फेरी वाले यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका यूज करते हैं किस लिए, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अ लॉट ऑफ एडुकेटेड यंग मैन यूज बाइसिकल फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। अ लॉट ऑफ एडुकेटेड यंग मैन यानी कि बहुत सारे पढ़े लिखे जवान व्यक्ति यूज बाइसिकल, बाइसिकल का यूज करते हैं किस लिए, फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वो साइकिल का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1816 बाई अ जर्मन। फर्स्ट बाइसिकल यानी कि पहली साइकिल वाज बिल्ट, बनी थी इन 1816 सन 1816 में बाई अ जर्मन, जर्मनी के एक आदमी द्वारा 1816 में पहली साइकिल बनाई गई। इट वॉज मेड ऑफ वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, यह लकड़ी की बनी थी। द राइडर सेट ऑन द सैडल एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। द राइडर यानी कि जो इसको चलाता था, सेट ऑन द सैडल, वह सैडल पर बैठता था, ये सैडल आपको दिख रही है, इसको सैडल कहते थे। तो जो राइडर था, जो चलाने वाला था, उस सैडल पर बैठता था, एंड रोड इट, और इसको चलाता था, कैसे चलाता था, बाई पुशिंग हिज फीट, अपने पैरों को धक्का देकर अगेंस्ट द ग्राउंड, यानी जमीन पर अपने पैरों को धक्का देकर जो राइडर था वह इसको चलाता था। इन इंग्लैंड द मशीन वाज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। इन इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड में द मशीन, इस मशीन को हॉबी हॉर्स कहते थे, यानी कि ये जो आपको दिख रही है ये पुरानी साइकिल, इसको इंग्लैंड में हॉबी हॉर्स के नाम से जाना जाता था। स्कॉट्समैन नेम्ड मैक मिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। एक स्कॉटिश आदमी जिसका नाम था मैक मिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स, हॉबी हॉर्स में कुछ विकास किया, कुछ बदलाव किया। ही प्रोवाइडेड पेडल्स विच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील्स बाई लॉन्ग रॉड्स। ही प्रोवाइडेड पेडल्स, उसने इसमें पेडल लगा दिया, विच वर कनेक्टेड टू रियर व्हील्स, जो कि रियर का मतलब पिछले, व्हील्स का मतलब चक्के, जो कि पिछले चक्के से कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था, बाई लॉन्ग रॉड्स, लंबे लंबे रॉड्स के द्वारा वह पिछले चक्के से जुड़ा हुआ था। इन 1861 अ फ्रेंच मैन बिल्ट अ बेटर मशीन। 1861 में एक फ्रेंच आदमी बिल्ट अ बेटर मशीन, एक ऐसी ही इससे अच्छी मशीन बनाया। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड। इसको बोन शेकर कहते थे, बोन शेकर यानी कि हड्डी को हिला देने वाला, तो इसको बोन शेकर कहते थे। क्यों कहते थे, बिकॉज क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड, क्योंकि जो इसकी वुडन व्हील्स, इसकी लकड़ी की जो पहिए थे वह बहुत ही रफ यानी कि उबड़ खाबड़ राइड देते थे, यानी कि उनको चलाने पर पूरा शरीर हिल जाता था। सून रबर व्हील्स वेयर फिटेड एंड मशीन वाज देन कॉल्ड बाइसाइकिल। सून का मतलब जल्द ही, रबर व्हील्स यानी कि रबड़ के चक्के पर फिटेड, उसमें लगा दिए गए। एंड द मशीन वाज कॉल्ड देन, और उसके बाद उस मशीन को क्या कहा गया, बाइसाइकिल, यानी उसके बाद रबड़ का चक्का लगाने के बाद उस मशीन को साइकिल के नाम से जाना जाने लगा। The modern bicycle was built in 1879 by Harry Lawson, an American. The modern bicycle यानी कि जो आधुनिक साइकिल है was built in 1879 वह 1879 में by Harry Lawson वह हैरी लॉसन के द्वारा बनाया गया जो कि एक अमेरिकन थे, एक अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे. It was driven by a chain connected to the rear wheels. यह पिछले चक्के में एक चैन कनेक्ट होता था, उसके द्वारा यह चलाया जाता था. द बाईसाइकिल हैज़ बीन अ कंपेनियन ऑफ कॉमन मैन सिंस एजेस. जो साइकिल है वह कंपेनियन है, क्या है, साथी है, किसका, कॉमन मैन का, साधारण इंसान का, सिंस एजेस यानी कि युगों से, यानी कि बहुत समय से जो साइकिल है वह साधारण इंसानों का साथी है. इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इसमें फ्यूल यानी कि ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है. इट इज़ ईजी टू पार्क, यह कहीं भी खड़ा करने में आसान रहता है. इट कीप्स द बॉडी ऑफ अ राइडर फिट, यह चलाने वाले की बॉडी को फिट रखता है, स्वस्थ रखता है. द यूज़ ऑफ बाइसिकल इज आल्सो इको फ्रेंडली एज इट कीप्स द एनवायरमेंट नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री. द यूज़ ऑफ बाइसिकल यानी साइकिल का प्रयोग इज आल्सो इको फ्रेंडली यानी कि वातावरण के लिए अच्छा है, क्योंकि एज इट कीप्स द एनवायरमेंट क्योंकि यह वातावरण को नॉइज़ फ्री यानी कि शोर शराबे से मुक्त और पॉल्यूशन फ्री यानी कि प्रदूषण से मुक्त रखता है. तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें. वीडियो के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा. आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियोज इस चैनल पर आते रहेंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें. बाय बाय, थैंक यू.